नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। कर्मचारियों को फिर मिलने वाली है गुड न्यूज, सैलरी में आएगा बम्पर उछाल, जाने क्या है नई अपडेट। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों को एक और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। महंगाई भत्ते के बाद मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को दो और भत्ते की सौगात दे सकती है। संभावना जताई जा रही है कि मोदी सरकार जल्द हाउस रेंट अलाउंस और ट्रेवल अलाउंस में इजाफा कर सकती है। वहीं सिटी अलाउंस के साथ प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी में भी फायदा मिल सकता है। इन भत्तों के बढ़ने से सैलरी में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। रेलवे ने कैंसिल की 151 ट्रेनें, यात्रा पर जाने से पहले चेक कर लें लिस्ट। जी हां, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की वेबसाइट के अनुसार आज 18 अप्रैल को 151 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। हालांकि ट्रेनों को रद्द करने के संबंध में कोई कारण नहीं बताया गया। कैंसिल की कई ट्रेनों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। 2 दिन पहले रेलवे ने 183 ट्रेनें मेंटेनेंस के लिए कैंसिल की थी। कैंसिल ट्रेनों की गिनती IRCTC की वेबसाइट पर देख सकते हैं। सभी महिलाओं को मिल रही है फ्री सिलाई मशीन। जी हां, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और उन्हें घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने में काफ़ी मदद करेगी। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रत्येक राज्य में 50,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त में भारत सरकार के द्वारा सिलाई मशीन दी जाएंगी। डेयरी फार्म खोलने के लिए 25% तक की सब्सिडी, ऐसे लोग कर सकते हैं अप्लाई। जी हां, किसानों के लिए पशुपालन से ही एक बेहतर विकल्प रहा है, लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से इस व्यवसाय से वह बढ़िया मुनाफा नहीं कमा पा रही थी। लेकिन इधर कुछ सालों में सरकार ने पशुपालन को प्रोत्साहित करते हुए कई सारी योजनाओं को लॉन्च किया है। धर्मशाला पूरी तरह डिजिटल हुआ, तकनीकी शिक्षा बोर्ड पुनर्मूल्यांकन के लिए पहली बार ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। जी हां, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला अब पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। बोर्ड ने पहली बार पुनर्मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, जबकि इसकी फीस भी ऑनलाइन ही बोर्ड के खाते में जमा करवानी होगी। वहीं इससे पहले अभ्यर्थियों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना पड़ता था। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने फरवरी मार्च 2022 में पहले और तीसरे सेमेस्टर की नियमित और रीअपियर, दूसरे व चौथे सेमेस्टर की N12 स्कीम के तहत रीअपियर और चौथे व छठे सेमेस्टर की N17 के तहत रीअपियर की परीक्षाओं का आयोजन किया था। मौसम, हिमाचल में 4 दिन बारिश की संभावना, मैदानी भागों में अंधड़ चलने का अलर्ट। जी हां, हिमाचल प्रदेश में 4 दिनों तक बारिश के साथ अंधड़ चलने का आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 19 से 22 अप्रैल तक बारिश के साथ अंधड़ चलने की संभावना है। चोटियों पर हल्की बर्फबारी की संभावना है। वहीं निचले व मैदानी 1-2 भागों में 20 से 22 अप्रैल तक बारिश हो सकती है। इन भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। सरकारी व्यवस्था पर सवाल, किहार अस्पताल से चंबा रेफर महिला ने एम्बुलेंस में दिया 3 शिशुओं को जन्म। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जहाँ कई बार डॉक्टर गंभीर प्रसव के केसों में हाथ पीछे खींच रहे हैं, वहीं ऐसे प्रसव एम्बुलेंस कर्मचारी आसानी से एम्बुलेंस में करवा रहे हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। पिछले 2 साल से चंबा जिला संस्थागत प्रसव करवाने में पिछड़ी रहा है। रविवार को इस तरह की घटना किहार सिविल अस्पताल में देखने को मिली। रात के समय एक गर्भवती महिला को प्रसव के अंतिम क्षण में चंबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। 108 एम्बुलेंस के जरिए उसे चंबा भेजा गया। चिकित्सक ने एम्बुलेंस स्टाफ को इतना भी कह दिया कि गर्भवती का बीच रास्ते में भी प्रसव हो सकता है। जब एम्बुलेंस गर्भवती महिला को लेकर अस्पताल जा रहे थे तो बीच रास्ते में अचानक महिलाओं की प्रसव पीड़ा बढ़ गई। परोटी वाला उद्योग मंत्री ने उद्योगों का किया निरीक्षण, सामने आई कई अनियमितताएं। जी हां, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बद्दी के 4 उद्योगों में औचक निरीक्षण किया और इन कंपनियों को रिकॉर्ड चेक किया। अधिकांश कंपनियों में प्रदूषण बोर्ड की ओर से लगाए गए उपकरण बंद पाए गए। कामगारों को डबल ओवरटाइम का पैसा सिंगल ही मिल रहा है। कुछ कंपनियों में 70% हिमाचल नहीं पाई गई। PF और ओवरटाइम देने में कभी अनियमितताएं पाई गई। उन्होंने ऐसे कंपनी संचालक के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की बात कही है। उद्योग मंत्री ने सोमवार शाम बद्दी के इनोवा, कैपटेप, श्रीराम हेल्थ केयर, हेड्रो व स्कॉट एडिल कंपनी में औचक निरीक्षण किया। पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा पास करवाने के नाम पर पैसे मांगने वाले 5 युवक गिरफ्तार। जी हां, भले ही पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका हो, लेकिन इससे जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेपर लीक होने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब लिखित परीक्षा पास कराने के नाम पर पैसे मांगने के आरोप में अर्की के 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि 5 युवकों ने ग्राउंड टेस्ट पास कर चुके हैं। कई अभ्यर्थियों से संपर्क किया, उनसे लिखित परीक्षा पास कराने के लिए व्हाट्सएप चैटिंग कर और कॉल के माध्यम से पैसे मांगे गए। मालगाड़ी हादसा, ऊना से दिन भर ठप रहे सभी ट्रेनों के रूट, यात्री हुए परेशान। जी हां, रूपनगर थर्मल प्लांट से कोयला उतारकर अंबाला जा रही मालगाड़ी के आगे लवारिस पशु आने से ट्रेन के 16 डिब्बे पटरी से उतर गई। इस हादसे में कोई भी जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सोमवार को चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश के ऊना और ऊना से चंडीगढ़ जाने वाले कई रेल रूट प्रभावित हो गई। रविवार देर रात करीब 12:30 बजे यह हादसा पेश आया। सोमवार सुबह से लेकर शाम तक ऊना रेलवे स्टेशन पर कई यात्री वापस लौटने का मजबूर हो गए। हिमाचल 2 दर्जन घर अब पंजाब की मुफ्त बिजली से होंगे रोशन। जी हां, जिला ऊना के सरहदी क्षेत्र मेहतपुर के झुड़िया मोहल्ला के लगभग 2 दर्जन घर अब पंजाब की मुफ्त बिजली से रोशन होंगे। इन गांवों में आज भी हिमाचल की बिजली नहीं पहुंची है। ये घर पंजाब की बिजली से रोशन हो रहे हैं। मेहतपुर पंचायत के वार्ड 5 के झुड़िया मोहल्ले के लोग एक अरसे से हिमाचल की बिजली की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों को आज भी हिमाचल की बिजली नसीब नहीं हुई है। लोगों को कहना है कि पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली निःशुल्क करने की घोषणा हुई है। इससे राहत की उम्मीद दिखाई देने लगी है। कटाई का सीजन शुरू, रूस यूक्रेन युद्ध से बढ़ने लगी गेहूं की मांग। जी हां, प्रदेश भर में इस समय गेहूं की कटाई का सीजन शुरू हो चुका है। दुनिया में गेहूं के सबसे बड़े निर्यातक रूस यूक्रेन में छिड़े युद्ध के कारण इस बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की मांग पहले के मुकाबले अधिक है। हाल ही में भारत ने मिस्र को करीब 12 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात करने का सौदा किया है। व्यापारी फसल की कटाई होते ही किसानों के पास पहुंच रहे हैं और 2050 रुपये प्रति क्विंटल तक किसानों को दे रहे हैं। वहीं सरकार ने भी इस बार 45 रुपये तक गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है और मंडियों में प्रति क्विंटल 2015 रुपये दिए जा रहे हैं। HRTC BOD बैठक में लगेगी महिलाओं के बस किराए में छूट पर मोहर। जी हां, महिलाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% छूट पर प्रबंधन शीघ्र फैसला लेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा में हिमाचल दिवस पर महिलाओं को निगम की बसों के किराए में 50% छूट देने की घोषणा की है। पंचायतों को मिलेंगे 317 करोड़, 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को जारी होगी राशि। जी हां, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को इस वित्तीय वर्ष में 317 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी। यह राशि 15वें वित्त आयोग के तहत जारी की जाएगी। प्रदेश सरकार के अनुसार 14वें वित्त आयोग के तहत विभिन्न विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को 850.17 करोड़ की राशि प्रदान की गई, जिसमें से लगभग 700 करोड़ रुपये व्यय किए गए। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लिए पंचायतों के विकास के लिए 429 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 317 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत गत 4 वर्षों के दौरान विभिन्न ग्राम पंचायतों को 633.18 करोड़ प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2021-22 के लिए 248.55 करोड़ का प्रावधान किया गया है। फ्री बिजली के 240 करोड़ भरेगी सरकार, 125 यूनिट मुफ्त देने से बिजली बोर्ड पर नहीं पड़ेगा बोझ। जी हां, प्रदेश में निःशुल्क बिजली का असर राज्य सरकार पर पड़ेगा। राज्य सरकार बोर्ड को करीब 240 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी, जो सब्सिडी के रूप में प्रदेश के उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसे पूरे क्रम में बिजली बोर्ड को कोई भी नुकसान नहीं होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा में 125 यूनिट बिजली निःशुल्क कर दी है। प्रदेश भर में करीब 11,50,000 उपभोक्ता 125 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। हालांकि उपभोक्ताओं को यह लाभ जुलाई महीने से मिल सकेंगे। इस निर्णय के संबंध में पहले अधिसूचना जारी होगी और इसके बाद बोर्ड को इसे लागू करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया में 2 महीने का समय लगने की बात कही जा रही है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले, पंचायत और गांव से देख रहे हैं।